ने पढ़ा है फ्रेंड, लॉन्ग एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लो आप जानते हैं क्या होता है, बेसिकली ये हमारा जो क्लो है ये आपका जिसको सिनोनिम इसको कैरीफिलम, क्लो फ्लावर, क्लो बर्ड्स, लवांग के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स बेसिकली ये फ्लावर बर्ड से मिलता है, ड्राइड फ्लावर बर्ड ऑफ द प्लांट यूजीनिया कैरियोफिलस, और ये यूजीनिया कैरियोफिलस जो है फैमिली मिरेटेसी का पार्ट है, तो इससे ये बुलाया जाता है। इसके भी कम से कम 0.15% क्लो ऑयल में सुड नॉट लेस देन, मतलब कि लॉन्ग से करीब 15% क्लो ऑयल मिलता है, ठीक है। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो ये इंडिजियस है बोरिया के लिए, मोलस्का आइसलैंड के लिए, बाकी इसके साथ साथ ये आज जंजीबार में, पेम्बा में, पिनांग में, मदिस्कार, मेडागास्कर में, कैरेबियन आइसलैंड्स में, श्रीलंका में, भारत से खेती की जाती है, और इंडिया में के लिए पहाड़ी एरियों में, तमिलनाडु और केरला में, कर्नाटका में पाए जाते हैं, और ये पूरे भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर की, कैसे देखना है। देखिए आपको स्ट्रक्चर सामने दिख रहा होगा लॉन्ग का, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो ऊपर वाला हिस्सा बड़ होता है, ये उसका स्टाल्क होता है, 10 से 17 mm इसकी लेंथ है, 2 mm इसकी थिकनेस है, 4 mm इसकी विडनेस है, ठीक है। ये सब आपको स्ट्रक्चर लॉन्ग का दिख रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिक कलर जो होता है वो क्रिस्मन टू डार्क ब्राउन होता है, ऑर्डर स्लाइटली एरोमेटिक यानी कि इसका एरोमेटिक ऑर्डर होता है, टेस्ट हल्का सा पंजेंट यानी कड़वा होता है, इसको हल्का तीखा होता है, एरोमेटिक बॉड बाय फॉलोड बाई नंबनेस। सेब इसका जो होता है वो हाइपेंथियम जो होता है उसको 4 थिक एक्यूट डाइवर्जेंस घेरा होता है, डोम लाइक भी दिखती है आपको, दिखते इसका बेस वाला पार्ट हाइपेंथियम है और 4 इसके अगल बगल जो डोम शेप्ड कोरोला है उससे ये घिरा होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप देखिए जरूर देख लीजिएगा, इसके स्ट्रक्चर को हमने टीयर सेक्शन काटा है, तो बीच में आपको जो दिख रहा है ग्रेन्यूल्स वो ऑयल ग्लैंड है, या हाइपोथेनियम है, या स्टेमन है, कोरोला है, एंथर है, स्टाइल है, कैलिक्स है, अब बायोलॉक्युलर ओवरी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इसके लॉन्ग का टीयर सेक्शन है, अगर आप लैब में काम करेंगे तो आपको ये काट कर दिखाया जाएगा। केमिकल कॉन्स्टेंट बात करते हैं, लॉन्ग बेसिकली वोलेटाइल ऑयल होता है 15 से 20%, यूजिनॉल 70 से 90%, वेनिलीन होते हैं, कैरियोफिलीन होते हैं, एसिटिल यूजिनॉल होता है 4%, टैनिन 10 से 13% होता है, रेजिन, क्रोमोन, यूजिनिन, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्टर, कीटोन, एथिलीन, इसको अपनी कॉपी में आपको एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। बाकी इसका स्ट्रक्चर आप बनाना चाहिए यूजिनॉल को तो आप बना सकते हैं, यूजिनॉल का स्ट्रक्चर क्या, तो बेंजीन रिंग में OH और इधर OCH3 होता है, और बाकी आपको ये आपको 1, 2, 3 यानी कि प्रोपाइनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये इसका कलरलेस टू पेल येलो इसका कलर होता है ग्लो वायल का, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है। यूज़ की बात कर ले तो ये कॉन्डिमेंट्स यानी जो आपके मसाले होते हैं, टॉफी वगैरह होती है उसमें मिला के बनाया जाता है, कार्बोनेटिव होता है मसाले, आपके गैस के आपके पेट के लिए काम करता है काफ़ी अच्छा। क्लो ऑयल में हाई परसेंटेज ऑफ यूजिनॉल होता है जिससे ये वेनिलिन प्रोड्यूस करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, डेंटल यूज होता है और लोकल एनेस्थेटिक के बाद ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया क्लो, इसको हमने पढ़ लिया फ्रेंड। अब दूसरी बात करेंगे हम दालचीनी की, जिसको आप सिनेमोन कहते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में लकड़ी के टुकड़े की तरह बार्क का छिलका होता है वो हमारे सिनेमोन मिलते हैं, तो ये भी इसको इसका सिनोनिम इसको सिनेमोन बार्क या कालमी दालचीनी या सीलोन सिनेमोन कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स बेसिकली ये क्या मिलता है कि ये आपका जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट है आपका सिनामोनम जैलेनिकम, उसके इनर बार्क से, इनर बार्क समझते फ्रेंड्स, ऊपर की छाल निकाल दीजिए फिर नीचे की लकड़ी को लेयर बाय लेयर काटेंगे तो उसको इनर बार्क कहते हैं, उससे मिलता है फैमिली लॉरेशी। दालचीनी बहुत काम की चीज़ होती है, इसमें करीब 10% वोलेटाइल ऑयल होता है और ये श्रीलंका, मालाबार और कोस्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आप ये बार्क देख रहे हैं कैसे निकालते हैं, इसको ड्राई करते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और मार्केट में बिकता है पर मसालों के रूप में। केमिकल कंपोजिशन की बात करें फ्रेंड तो इसको आपको नोट्स एज इट इज लिख लेना है, इसमें 0.5 से 1% तक वोलेटाइल ऑयल होता है। बेसिकली इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो लाइट येलो इन कलर होता है, 1 से 2% इसमें करीब 1.25% टैनिन होता है, म्यूसिलेज है, कैल्शियम ऑक्सीलेट है, स्टार्च और मेंटॉल भी इसमें पाए जाते हैं। सिनामोन ऑयल में बेसिकली 60-70% जो होता है वो सिनामिलडिहाइड होता है, 5 से 10% यूजिनॉल होता है, बेंजलडिहाइड होता है, सिनामिलडिहाइड होता है और कुछ टर्पिन्स होते हैं जैसे कि पिनिन, साइमिन और कैरियोफिल, ठीक है। बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की, तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें 0.2% से कम होना चाहिए, टोटल एस वैल्यू 6% से कम होनी चाहिए, एसिड डिसॉल्वेबल वैल्यू 4% से कम होनी चाहिए। इसका टेस्टिंग है, केमिकल टेस्ट इसको करने के लिए फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन में क्या करते हैं हम, क्या वोलेटाइल ऑयल एक ड्रॉप डाल देते हैं और ये पेल ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। अगर फेरिक क्लोराइड डालते हैं तो ब्राउन कलर हो जाता है, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन में ड्रॉप ऑफ इथेनॉल डालते हैं तो ब्लू हो जाता है, ये इसका केमिकल टेस्ट है, ठीक है। यूज़ जान लेते हैं कि दालचीनी का फ्रेंड्स यूज़ कहाँ कहाँ पे है, तो बेसिकली कार्बोनेटिव मसालों की तरह यूज़ होता है, स्टोमैकिक पेट के दर्द के लिए ठीक हो सकता है, माइल्ड एस्ट्रीजेंट है, एस्ट्रीजेंट की तरह भी काम करता है, फ्लेवरिंग एजेंट है, स्टिमुलेंट है, एंटीसेप्टिक है, लूजेस वेट के लिए अगर आप इस दालचीनी का चाय बना के पियेंगे तो आपका वेट बहुत जल्दी से लॉस होगा, इसके लिए भी यूज़ करते हैं। बाकी कॉमर्शियली इसको हम लोग स्पाइसी मसालेदार भी यूज़ करते हैं और ये परफ्यूम्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, इसको ऑयल को,
ठीक है फ्रेंड। अब तीसरी बात करते हैं सौंफ। सौंफ आप जानते हैं फेनल, ये भी एक बेहतरीन मसालेदार चीज़ है और हम लोग अक्सर खाते हैं, और अक्सर जब आप किसी होटल में खाना खाते हैं तो बाद में सौंफ और मिश्री आप ज़रूर खाते हैं खींच के, ताकि आपका पैसा कुछ वसूल हो सके, ठीक है। तो चलिए सौंफ की बात करते हैं। तो सौंफ का बायोटिकल नेम फेनिकल वल्गेरी होता है, फोनिकुलम वल्गेरी, और ये एमिफेरी फैमिली है, इसको और नाम से जानते हैं फेनल, स्वीट फेनल, बिटर फेनल के या सौंफ के नाम से जानते हैं, उर्दू नाम इसका सौंफ है, और इसका बेसिकली ड्राइड ड्राइप फ्रूट का पार्ट इसका यूज़ करते हैं, और इसका केमिकल ये बेसिकली वोलेटाइल ऑयल है, ठीक है। दो प्रकार के फेनल बेसिकली होते हैं, स्वीट फेनल और बिटर फेनल, इसके बीच डिफरेंस है। स्वीट फेनल का जो फैमिली है वो प्लांट है वो फेनिकली फेनिकुलम वल्गेरी से मिलता है, और ये जो हमारा ब्लैक है बिटर फेनल है वो फेनिकुलम वल्गेरी सब्सटेंस के वल्गेरी वॉर वल्गेरी से मिलता है, ठीक है, वो वहाँ पर डुलसे है। बाकी स्वीट फिनल में करीब 80% में आपका एंथेनॉल होता है, इसमें 60% होता है, उसमें 10-3% एस्ट्राजियल होता है इसमें, ठीक है, इसमें 10% होता है। ये डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखना उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, ठीक है। केमिकल की बात करें कंपोजिशन की, तो बेसिकली इसमें एंथॉल सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके साथ साथ इसमें फेंचोन, लिमेनोन, एस्ट्राजोल, वोलेटाइल ऑयल, एनिसिक एसिड, एनिसिक एल्डिहाइड, सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस के कॉमरिन और विटामिन ए एंड सी भी पाए जाते हैं। सौंफ का यूज़ देखा जाए तो काफ़ी अच्छा यूज़ है। तो पहले तो एंथियॉल जो होता है वो एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, उस केस में भी हम लोग सौंफ का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे कार्बोनेटिव की तरह यूज़ होता है, और इसमें विटामिन सी होता है, इसलिए इसे एंटी ऑक्सीडेंट की तरह भी बहुत अच्छा यूज़ होता है। कॉमरिन सोर्स एंटी कॉमरिन एक्टिविटी इसमें होती है, ये ब्रैंकोडायलेटरी इफेक्ट भी करता है, यानी खांसी जुकाम को भी ठीक कर सकता है, ठीक है, मिल्क सिक्रीशन को भी इन्फ्लुएंस करता है ये सब, अब हमारे बॉडी में ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, ये इसके सारे अलग अलग यूजेस हैं। ये हमारा फ्रेंड अगला ड्रग है कोरिएंडर। धनिया, धनिया भी हमारा वोलेटाइल ऑयल है, जिसमें हर चीज़ जिसमें महक होती है उसमें वोलेटाइल ऑयल होता है। तो धनिया की बात करते हैं, धनिया का ऐसा प्लांट जिसका सभी पार्ट यूज़ करते हैं, इसका रूट छोड़ करके इसका पूरा एरियल पार्ट यूज़ करते हैं, यानी इसका स्टेम, इसका सूट, इसका लीफ सब कुछ यूज़ करते हैं। तो कोरिएंडर है, या इसको क्लियांट्रो भी कहते हैं, ये एनुअल हर्ब्स होता है, फैमिली एपिएसी है और फैमिली एम्बलीफेरी है बेसिकली, ठीक है। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो दट इज़ द कोरिएंडरम सटाइवम, इस पर अगर नहीं लिखा तो आप देख लीजिएगा, ये कोरिएंडरम सटाइवम होता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, अमेरिका में पाए जाते हैं, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, इसमें वोलेटाइल 0.4% से 1.7% होता है। मेन कंपोनेंट इसमें जो होता है वो प्लस लिनोलूल होता है, कार्बेंड्रियोल, और इसमें ब्रोनियोल, पीसाइमिन, अल्फा पिनिन, कैम्फर, जिरेनियोल, लिमोनिन, फैटी एसिड, ओलिक एसिड, लिनोनिक एसिड, ये सब भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, धनिया का यूज़ क्या है, आपके सामने नोट्स बनाए आप देख सकते हैं। ये इफेक्टिव ऑडियंस होते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, इंटेस्टिनल बाउल सिम्टम्स के लिए, स्टमक अपसेट्स के लिए, लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए, स्पास्म के लिए, इंटेस्टाइनल गैस, डायरिया, बैक्टीरियल, मिसल्स, हेमोट्राइड्स, टूथेक, दर्द दर्द के लिए, नोजिया, पेनफुल हार्निया और वॉर्म ज्वाइंट पेन। अब हम बात करेंगे दूसरा हमारा प्लांट है जिंजीबर, यानी कि हमारा है अदरक। अब अदरक की बात करें तो अदरक का जो जिंजीबर है, जिंजीबर का जो बॉटनिकल सोर्स है वो क्या है, जिंजीबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द राइजोम और रूट ऑफ द जिंजीबर ऑफिसिनल, यानी हमारे क्या होता है जो अदरक का पौधा होता है जिंजीबर ऑफिसिनल, उसके रूट या राइजोम से मिलता है, और फैमिली क्या होती है जिंजीबरेसी। अब थोड़ी सी प्रॉप कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर की कैसे होता है। तो अपीयरेंस आपको पता है कि इसका कोई ब्रांचिंग है, हॉरिजॉन्टल है, राइजोम, यानी कोई भी इसका फिक्स शेप नहीं होता, अदरक का शेप कहीं से भी बढ़ने लगता है। साइज देखा जाए तो लेंथ करीब 5 से 15 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, 3 से 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, और 0.5 to 1.5% इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है। शेप की बात करें तो लैटरली फ्लैटेंड होते हैं, अपर साइड जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, ऑप्लिक होते हैं, ये सब पॉइंट आपको वाइज लिखना है, ठीक है। सरफेस देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनली स्टेज होता है, स्ट्राइटेटर, यानी उस पर धारियाँ बनी होती है, उस पर ऊपर प्रोजेक्शन बने होते हैं, निकले कुछ उभार निकले होते हैं, फ्रैक्चर शॉर्ट होता है, और कलर इसका बफ है, बफ मतलब होता है मटमैला कलर, तो ये मटमैला कलर का होता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जो जिंजर होता है उसमें 102% वोलेटाइल ऑयल होता है, 5 से 8% पंजेंट प्रिंसिपल होते हैं, रेजिनस मास, स्टार्च, वोलेटाइल ऑयल, ये सब इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ इसमें आपका 6% जिंजीबेरिन और सेक्विटर्पिन हाइड्रोकार्बन जिंजीबरॉल भी पाए जाते हैं, इसको भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। बाकी जो जिंजीरॉल होता है वो येलो पंजेंट ऑयली कलर जो होता है इसी कारण होता है। इसमें सैगोल भी होता है, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर है आपके सैगोल का, जिंजीबेरिन का और जिंजीरॉल का, इसका स्ट्रक्चर आप लोग कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा, इट विल हेल्प यू, ठीक है। बाकी यूज़ करते हैं अदरक का यूज़ किया, तो भैया पहली बात तो स्टोमैकिक है, पेट दर्द भी यूज़ करते हैं, स्टिमुलेंट है, चाय में पिलाने से थोड़ा सा स्टिमुलेंट होता है, और एरोमेटिक यानी कार्बोनेटिव होता है, मसाले में इसको यूज़ करते हैं महक के लिए। इट इज़ यूज मोर एज द स्पाइस, ये सबसे ज़्यादा इसका उपयोग स्पाइसेस में मसालों में होता है। जिंजर ऑयल जो होता है वो हमेशा माउथ वाश में, जिंजर बेवरेजेस में और लिक्वर में, आजकल जो काढ़ा बनाते हैं ना वो लोग, बहुत ज़्यादा चल रहा है काढ़ा का, तो उसमें यूज़ होता है ये।
या फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी इसको हम लोग सब्जियों में इसको यूज कर सकते हैं। बाकी मोशन सिकनेस में अगर किसी को दिक्कत होती है, किसी को उल्टी होती है गाड़ी चलते समय, अगर आप उसके मुंह में अदरक थोड़ा सा डाल दीजिए चूसता रहे तो उसको उल्टी होने की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि मोशन सिकनेस में यूज होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला हमारा ड्रग है एसाफोटिडा। तो अब एसाफोटिडा की बात करें तो एसाफोटिडा क्या होता है कि इसका जो सिरोनिम है वो है डेविल्स डंग, या इसको फूड ऑफ द गुड कहते हैं, एसाफोटिडा एसेंट भी कहते हैं। डेविल्स डंग की क्वेश्चन आया है जीपैट में एक बार कि किसका सिरोनिम होता है एसाफोटिडा का, ध्यान दीजिए इस चीज़ को। एसाफोटिडा आपने देखा है कभी, आपने फ्रेंड हींग देखा है, हींग जो सब्जियों में पड़ता है, हींग आता है ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का, बड़े बड़े ठोके होते हैं वो, एक्चुअल में हींग जो है वो एसाफोटिडा की आप इसको समझ सकते हैं उसी की तरह से। एसाफोटिडा जो होता है वो एक तरह का ओलियोगम रेजिन होता है जो कि एक्सर्टेशन ऑफ बाय इंसिजन ऑफ द डेसिपेटेड राइजोम रूट ऑफ द फेरुला एसाफोटिडा। प्लांट का नाम क्या है, फेरुला एसाफोटिडा के रूट राइजोम के एक्सीडेशन से प्राप्त होता है बेसिकली। कुछ और स्पीसीज भी है जैसे फेरुला फोटिडा, ये भी है, या फेरुला रूब्रियोलिस बेसिस, यानी तीन प्लांट है, किसी भी एक को याद कर लीजिएगा। जियोग्राफिकल सोर्स देखा जाए तो ये इंडिया में, ईरान में, तुर्किस्तान में, अफगानिस्तान में, इंडिया को छोड़ करके इन जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करिए कैसे होते हैं, तो एसाफोटिडा जो होते हैं वो हमेशा सॉफ्ट सॉलिड मॉस होता है, इसमें इरेगुलर यानी कि अलग ठोकेदार यानी गठीले गठीले लम्स बने होते हैं, कोई भी शेप नहीं होता है इसका, और इसका डायमीटर करीब 5 से 30 mm होता है। ये ग्रेस वाइट कलर के होते हैं, डल येलो इसका कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर भी आते हैं। आप इसको अलग अलग पॉइंट वाइज करके भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो एसाफोटिडा मॉस होता है वो फ्रूट्स में फ्रेगनेंस पाया जाता है इसको, जो ये आपके कुछ है, ये आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। क्या क्या पाया जाता है आपके सामने दिख रहा है कि एसाफोटिडा में करीब वोलेटाइल ऑयल 4 से 20% होता है, रेजिन 40 से 65% होता है, गम 25% होता है, गार्लिक एसिड ऑर्डर भी होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपके सामने कंपोजिशन लिखा हुआ है, आप खुद से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। बाकी यूज़ की बात करते हैं तो ये कार्बोनेटिव है, मसाले में यूज़ करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट है, सर्दी खांसी के लिए कप के काढ़े में यूज़ कर सकते हैं, खांसी सिरप में यूज़ करते हैं, एंटी स्पास्मोटिक होता है, अगर पेट में ऐठन हो रही है तो उसको भी दूर करता है, लग्जेटिव है, लेटरिन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, स्टूल का फॉर्मेशन करने के लिए लग्जेटिव दिया जाता है।